पापा सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो कल दिवाली है और आज है छोटी दिवाली, तो आपको छोटी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज तो क्या है कि मतलब पकवान ही पकवान बनना है, मतलब क्या है कि आज ही बना लेंगे, नहीं तो कल तो क्या है कि टाइम ही नहीं मिलना है, क्योंकि कल तो बहुत सारे काम रहते हैं, मंदिर वगैरह सजाना है और मतलब फिर खाना भी बनाना है उस हिसाब से, और फिर मतलब बहुत कल तो सजावट का काम बहुत ज़्यादा रहता है, तो मतलब आज बना लेंगे ज़्यादातर। तो अभी बिस्किट बना रहे हैं हम लोग। दादू से पूछ के आओ कि खाना चाहिए, जल्दी जाओ, बेसन की बन रही गो पपैया, मैं रख दूँ या मैं रख दूँ? तो ये बिस्किट बन चुके हैं पूरे, ये ठंडे हो गए हैं तो मैं इनको निकाल के रख दूंगी, और ये पूरे बने हुए हैं और ये मैंने अभी हाल निकाले हैं, तो इनको ठंडा होने के लिए, मतलब ठंडे हो जाएंगे जब ही निकलेंगे ये, तो इनको थोड़ा बाद में निकालूंगी और इनको अभी निकाल लेती हूँ। और ये गरी किस दी है मम्मी ने लड्डुओं के लिए, और ये रखी हुई हैं सिकी हुई मूँगफली, तो अब इनको मिक्सी में पीस कर और फिर बनेंगे इनके लड्डू। तो बिस्कुट तो बन कर तैयार हो चुके हैं और अब बस तैयारी करनी है लड्डुओं की, तो मैं बस अब बुआ को फ़ोन लगा रही हूँ कि बुआ थोड़ा सा टाइम निकाल कर आ जाओ, क्योंकि वो भी अपने मतलब मिठाई वगैरह बनाने में लगी हुई हैं, तो कह रही थी कि मुझे भी बहुत सारे मतलब बनाने हैं मिठाई वगैरह, तो अभी देखते हैं कि वो क्या कहती हैं, तो मैं उनसे बात कर रही हूँ अभी। और आप भी इस तरह के बिस्किट बनाइएगा, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, बहुत ज़्यादा खस्ता है, बहुत ज़्यादा खस्ता है। इनके लिए क्या क्या चाहिए, बेसन और सूजी, मैदा और घी, शक्कर बस, और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, इन सबको मिला के ये बिस्किट बनते हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। खा कर बता कैसे लग रहा है। हाँ हाँ तनक तनक लग रहा है, जाना नहीं लग रहा है, पूरी टाटी खाऊं जब पता पाए। ओ टाटी वाली भी कुआन है भैया, टाटी टाटी होते गई है, टेस्ट कर भी लाख भाई, टेस्ट कर भी लाख जाना खा भी लाख नहीं, अच्छे लग रहा है ना, बच्चन के लाना बना है। और मैंने ये मूंगफली मिक्सी में पीसी थी, तो कुछ दाने रह गए थे बड़े बड़े, तो उनको छान कर अलग कर रही थी, पर हम तो सो गए। तो देखिए ये है सिक्का, और पहले ये प्लेन आता था, मतलब ये पॉलिश, अब की बार ये गोल्डन कलर की पॉलिश हो गई है इस पर, पहले नहीं आती थी, तो ये और भी अच्छा लग रहा है। अब ये आगे देखो बना हुआ है श्री बना हुआ है और ओम, और पीछे बनाई हुई है लक्ष्मी जी और गणेश जी, तो ये सिक्का है 20 ग्राम का। और ये मैं 2 कटोरी भी लाई हूँ, ये एक कटोरी है 75 रुपये की, तो 2 का सेट आया है 150 रुपये का, और ये कटोरी बहुत सुंदर लग रही है, बहुत हैवी है, मतलब वजनदार है बहुत ज़्यादा, और डिज़ाइन भी बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल प्लेन डिज़ाइन है, तो मैंने सोचा कि चलो 2 रख लेते हैं। और ये कि मैं थाली लाई हूँ प्लेन, इस पर ये बीच में देखिए फूल बना हुआ है, आजकल ऐसे बर्तन आ रहे हैं कि जिसमें मतलब ये अलग से फूल बना हुआ आ रहा है, तो ये डिज़ाइन भी बहुत अच्छी लग रही थी, और प्लेन थाली हमारे पास थी नहीं मतलब इस तरह से, क्योंकि ये पूजा वगैरह के लिए अच्छी लगती है ऐसी थाली, या फिर टीका वीका लगाने के लिए, तो फिर मैं ये थाली भी ले आई हूँ, और एक छोटी चम्मच भी लाई हूँ, क्योंकि जो संजय का घी, मतलब जो संजय रखते हैं ना, तो उसमें जो घी के लिए डिब्बी में चम्मच नहीं थी, तो मैं एक चम्मच भी लाई हूँ छोटी। और ये लाई हूँ मैं गंगा सागर, क्योंकि हमारे पास इस तरह का गंगा सागर नहीं था, तो मैं एक ये गंगा सागर भी लाई हूँ जल चढ़ाने के लिए। और ये लाई हूँ मैं पीयूपनम के लिए 2 गिलास दूध पीने के लिए,
देखिए इस तरह से है ये, मतलब बाहर से प्लास्टिक है और अंदर से स्टील, तो ये मतलब साफ करने में भी अच्छे रहते हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे थे। तो मैं ये दो का जोड़ी ले आई हूँ क्योंकि, और दोनों के लिए सेम कलर लाई हूँ, नहीं तो फिर वो लड़ते हैं, तो फिर मैं दोनों के लिए एक सही कलर लेके आई हूँ। मैं लाई हूँ सबसे ज़्यादा दिया, तो दिया इस बार मैं बहुत सुंदर सुंदर लाई हूँ डिज़ाइन में। तो फाइनली लड्डू बन चुके हैं, और लड्डू बने हैं कम से कम 120 बने हैं, क्योंकि गिन के रह गए थे कि मतलब देखेंगे कितने बने हैं, तो 120 लड्डू बन गए हैं। तो एक ये वाला डब्बा पूरा भर गया है, ये देखिए ये वाला डब्बा भर गया है, और मैंने मतलब कुछ खाने के लिए भी रख निकाल के लगा रख दिए हैं इस डिब्बे में, क्योंकि बार बार इतना बड़ा डब्बा उठाओ तो मतलब फिर अच्छा नहीं लगता और दिक्कत भी होती है। तो मैंने कहा 10-20 लड्डू इसमें रख देंगे, तो मतलब डेली मैं रेसिपी ऊपर हमें या कोई भी मांगे तो इसमें से उठा लूँ, और जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर से इसमें ले लेंगे। तो मैंने मतलब अभी आदर्श आए थे ना, तो आदर्श लाइट लाए थे, 2-3 टाइप की दिखाने के लिए लाए थे, तो मुझे मंदिर के लिए लाइट चाहिए थी वैसे तो। तो फिर मैंने कहा मंदिर के लिए भी छोटी छोटी मल्टी कलर वाली लाइट मंगाई थी, लेकिन वो भी आए नहीं है लेकर। तो मैं अभी बस मंदिर की थोड़ी सी मतलब ये अखबार वगैरह गंदा हो गया है, तो इसको मतलब चेंज कर रही हूँ मैं भी मतलब। और कल तो क्या है कि कल तो कपड़े नए पहनाएंगे कान्हा जी को, लक्ष्मी जी को, तो मैंने सोचा कि अभी मतलब लाइट वगैरह लगा देती हूँ मंदिर में, और ये और वैसे सफाई करे दे रही हूँ मंदिर की, तो मतलब कल ये नहीं करना पड़ेगा। तो अभी आदर्श ये वाली लाइट लाए थे, ये स्टार वाली लाइट, तो ये बहुत अच्छी लग रही है जलने पर, तो मैं इसको सोच रही हूँ कि बाहर मेन गेट पर लगाऊंगी क्योंकि वहाँ अच्छा लगेगा। तो अभी मुझे बंधन वाला भी बनाना है, तो वो तो मुश्किल है क्योंकि उसके लिए आम के पत्ते चाहिए, और अभी तो आम के पत्ते आ नहीं पाए हैं, तो अभी कल सुबह ही आ पाएंगे, तो फिर कल सुबह ही बनेगा बंधन वाला, और फिर उसके बाद लगाएंगे उस पर ये लाइट, तो फिर बहुत सुंदर लगेगा। तो फाइनली मेरा मंदिर तैयार हो चुका है, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मतलब मैंने अखबार चेंज कर दिया, बहुत दिनों से नहीं किया था और गंदा भी हो गया था, और ये न्यू लाइट मंगवाई है आज ही, आदर्श लाए थे, तो ये लाइट भी लगाती है, तो हम दोनों ने मिलकर लाइट लगाई है, तो जल्दी लग गई थी, और अकेले लगाती तो लेट हो जाती, मतलब देर हो जाती, और लेकिन आदर्श के साथ लग गई तो बहुत अच्छी लग रही है, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ब्लॉग को करते हैं पर एंड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को, शुभरात्रि।